भागा नाम एव च क्रम उपलब्धि ही, और भागों की ही क्रम से उपलब्धि हो रही है। वो जो हेतु आप दे रहे थे ना संघात मात्र पक्ष में, कि क्रम से उपलब्धि हो रही है, क्रम से उपलब्धि हेतु दिया गया था ना पीछे संघात मात्र पक्ष में, और स्थान क्रम को भी हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो उन दोनों हेतुओं को इस पक्ष में लाके दिखा रहे हैं कि इस पक्ष में भी वो दोनों हेतु तो घटित हो जाएंगे, दोष नहीं आएगा। कैसे? तो कह रहे हैं कि जो आप क्रम से उपलब्धि दिखा रहे थे ना, वो हमें वर्णों की थोड़े हो रही है, अलग अलग स्वतंत्र वर्णों की नहीं उपलब्धि हो रही हमें। किनकी उपलब्धि हो रही है क्रम से? अवयवों की, भागों की। पूर्व पक्ष में क्या कहा गया था? क्रम से उपलब्धि हो रही है इसलिए ये मानना पड़ेगा कि ये अलग अलग वर्ण हैं, उनका फिर संघात है, ऐसा कहा था ना वहां पर। लेकिन ये वर्णों का एकत्व मान रहे हैं, आकार आदि वर्णों का एकत्व मान रहे हैं, संघात पक्ष नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो क्रम उपलब्धि हो रही है हमें, वो भिन्न वर्णों की नहीं हो रही है, एक ही वर्ण के भागों की हो रही है। भागानामेव च क्रम उपलब्धि ही, भागों की हमें क्रम से उपलब्धि हो रही है। और स्थान भेदोपि एक वर्णत्वपि वकारवद उत्पन्न है। जो आप कह रहे थे स्थान क्रम कैसे दिखाओगे, एक ही वर्ण है तो वो स्थान द्वय से थोड़े उत्पन्न होता है, ऐसे दोष दे रहे थे ना कि यदि एक ही वर्ण मानोगे तो स्थान द्वय कैसे दिखा सकते हो एक वर्ण के लिए। तो कह रहे हैं कि स्थान भेद भी उत्पन्न हो जाएगा एक वर्ण होने पर भी। कैसे? क्योंकि वो जो उसके अलग अलग भाग हैं वो अलग अलग स्थानों से निष्पन्न हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको प्रमाण देने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा वर्ण प्रस्तुत करें कि जिसमें किसी को संदेह ना हो कि एक वर्ण है कि दो है कि संघात मात्र है, ऐसा जिसमें संदेह ना हो। तो ऐसा उदाहरण ले आए पद्मंजरीकार, वकार वद उपपन्न। अब वकार में तो किसी को संदेह नहीं है ना, व इसमें तो किसी को संदेह नहीं है कि ये एक ही वर्ण है कि दो तीन चार वर्णों का संघात है, इसमें संदेह नहीं ना। जैसे री री आदि में, आकार आदियों में हम दो पक्ष रख के विचार कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि वो संघात मात्र हैं कि वो अलग वर्ण है, वैसे वकार तो इस श्रेणी में नहीं है ना। जितने भी व्यंजन है ह य व आदि, वो तो इस श्रेणी में नहीं है, उनके बारे में सबको स्पष्ट है कि वह अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ण है, ठीक है, अपने आप में विशुद्ध वर्ण है, उसमें आकार जैसा कोई संदेह तो नहीं है ना। केवल वकार ध्वनि की बात हो रही है, तो हम बोलते समय उसमें अ भी बोल रहे हैं क्योंकि बिना उसके उच्चारण संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्वर सहित केवल जो वकार विशुद्ध मात्र है उसकी बात हो रही है, कि उसके बारे में किसी को संदेह नहीं कि वो एक ही वर्ण है ना। और एक ही वर्ण होते हुए भी यदि हम वर्णोच्चारण शिक्षा में उसका स्थान देखें तो वकार दंत्योष्ठ्य, तो एक ही वर्ण के दो स्थान कैसे हो गए? हो गए ना, एक ही वर्ण के दो स्थान बता रहे हैं कि वो दंत से भी और ओष्ठ्य से भी निष्पन्न होता है। तो जब एक वर्ण वहां पे, जब हम निश्चय रूप से ये कह सकते हैं कि एक ही वर्ण दो स्थानों से निष्पन्न हो रहा है, तो आप जो पीछे हेतु दे रहे थे कि चूंकि ऐकार आदि के बारे में ऐसा कहा है कि वो कंठ से और तालु से निष्पन्न होते हैं, इसलिए उनको दो वर्णों का संघात मानना चाहिए, ये आपका तर्क उचित नहीं है। एक वर्ण भी स्थान भेद से निष्पन्न हो सकता है ना। स्थान भेदोपि एक वर्णत्वपि वकारवद उपपन्न, स्थान भेद भी एक वर्णत्व मानने पर भी, किनका? आकार आदियों का, आकार आदियों का, एकार ईकार आदियों का एक वर्णत्व स्वीकार करने पर भी स्थान भेद उत्पन्न हो जाएगा, वकार आदि के वकार के समान, कोई दोष नहीं है। तो जो दो हेतु दिए थे वो तो इन्होंने इस पक्ष में भी सिद्ध कर दिए, क्रमोपलब्धि ही, और तीनों बल्कि सिद्ध कर दिए। देखिए तीन हेतु दिए थे विशेष रूप से, अकार आदि रूप प्रत्यभिज्ञानात, है ना, तो वो भी दिखाया। सबसे पहले तो उसी के बारे में बात की ना, आकार आदि भाग संवेदन, वो वही तो है जो पीछे कहा था, अकार आदि रूप प्रत्यभिज्ञान, उसी को यहाँ पे इस पक्ष में अकार आदि भाग संवेदन इस शब्द से कह रहे हैं। तो अकार आदि रूप प्रत्यभिज्ञान अनेक वर्णों का संघात मानने पर ही होगा, ऐसा नहीं है, वो तो एक वर्ण के अवयवों में भी हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? उसका उन्होंने हेतु दिया है, ठीक है। तो प्रथम हेतु भी इस दूसरे पक्ष में भी चला गया। जो दूसरा हेतु था कि हमें ए ओ आदि में
ई उ आदि की क्रम से उपलब्धि होती है, वो भी इस पक्ष में भी सिद्ध हो गया कि वहां पे जो आप क्रम उपलब्धि बता रहे हैं वो पृथक वर्णों की नहीं अपितु अवयवों की हो रही है। फिर तीसरा हेतु दिया था स्थान क्रम, जो वर्णोच्चारण शिक्षा में दिखाया है एकार आदियों का, उससे पता चलता है कि अलग वर्णों का संघात मात्र है, तो उसको भी उन्होंने दूसरे उदाहरण से बहुत स्पष्टता से निषेध कर दिया कि जैसे वकार एक ही वर्ण है फिर भी वहां स्थान भेद उत्पन्न है, तो इसी तरह से हम एकार आदियों को एक वर्ण माने तो भी उसमें स्थान भेद उत्पन्न हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो जो हेतु पूर्व पक्ष के व्यक्ति ने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए दिए थे वो सारे के सारे हेतु निरस्त कर दिए गए, वो इस पक्ष में भी यथावस्थ है ना, वो इस पक्ष में भी लग जाएंगे ऐसे के ऐसे। और आगे देखिए, फिर दो आचार्यों के वचन भी उद्धृत किए गए थे है ना, एक तो वृत्तिकार का वचन था एचो प्लुति प्रसंगे तद अवयव ईदुत प्लवेते, और इसका मूल है सूत्रकार का वचन एचो प्रग्रियस्य दूराद्धूते, ठीक है, तो उसका भी समाधान आगे कर रहे हैं कि देखिए सूत्रकार वचनमपि सदृश भाग निबंधनमेवास्तु, सूत्रकार का जो वचन है ना एचो प्रग्रियस्य दूराद्धूते, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि एच के पूर्व भाग को अकार आदेश कर दो, बाद वाले भागों को इकार उकार आदेश कर दो, ये जो आचार्य कह रहे हैं तो वो भी सूत्रकार का वचन भी सदृश भाग निबंधनों में वास्ते, सदृश भाग को हेतु बना करके ही कहा गया है, ठीक है। हम ऐसा क्यों माने आचार्य के वचन का अर्थ, आचार्य के सूत्र का अर्थ हम ऐसा क्यों माने कि आचार्य जो है वो एच में जो है वो प्रारंभ में स्वतंत्र अवर्ण देख रहे हैं, फिर बाद में ई वर्ण देख रहे हैं, या स्वतंत्र अवर्ण और उ वर्ण देख रहे हैं। आचार्य का वचन तो यदि आचार्य ए इत्यादि वर्णों को एक ही मानते हुए उसमें पूर्व में अ अवयव को देख रहे हैं, बाद में ई अवयव को देख रहे हैं, तो भी आचार्य का वचन तो निष्पन्न हो जाएगा, उपपन्न हो जाएगा। तो आचार्य के वचन को सिद्ध करने के लिए भी एच वर्णों को हमें संघात मात्र, अन्य वर्णों का संघात मात्र मानने की आवश्यकता नहीं है। एचो प्रक्रिया सूत्र भी जो है एच आदि वर्णों को एक वर्ण मानने पर भी यथा अवस्थ ही रहेगा, सिद्ध ही रहेगा, कोई दोष नहीं आएगा। तो ये सारे समाधान कर दिए गए जो पूर्व पक्षी ने कहे थे अपने पक्ष की सिद्धि में, वो हेतु तो इस पक्ष को सिद्ध करने के लिए भी पर्याप्त हैं, इस पक्ष में भी जैसे के तैसे लग जाएंगे। इन माने जब कोई हेतु दोनों पक्षों में जाने लग गए तो फिर उसको अपने पक्ष की सिद्धि में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो किसी एक पक्ष को सिद्ध नहीं कर रहा ना, क्योंकि जो हेतु पूर्व पक्षी ने दिए अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए, संघात मात्र पक्ष को सिद्ध करने के लिए, वही हेतु दूसरे पक्ष को भी सिद्ध कर रहे हैं, माने वही हेतु वैसे के वैसे इस पक्ष में भी लग जाएंगे, कोई दोष नहीं आ रहा। तो ये हेतु तो किसी पक्ष विशेष को सिद्ध नहीं करेंगे। आगे देखिए, अतो अकार प्रत्यभिज्ञानादेर अन्यथापि सिद्धत्वाद, अब यहां आकर के जो है वो उपसंहार कर रहे हैं पूर्व विषय का। पहले जो चार पांच हेतु दिए थे पूर्व पक्ष में वो सारे चार हेतुओं का समाधान कर दिया ना, और पांचवा तो एक आचार्य का वचन मात्र था अश्वलायनोपि आह विविच्य संध्यक्षराणाम अकारम, संध्यक्षरों में से अकार को अलग करके, ठीक है, तो यहाँ पर भी अकार अवयव को अलग करके ऐसा हो सकता है अर्थ। तो अब उस पूरे संदर्भ को आचार्य निर्णित करते हुए निर्णय दिखा रहे हैं यहाँ पे इस पंक्ति में, अतो अकार प्रत्यभिज्ञान आदे है, इसलिए पहले जो अकार प्रत्यभिज्ञान आदि हेतु दिए गए हैं ना, उन हेतुओं का अन्यथापि सिद्धत्वाद, अन्यथापि सिद्धत्वाद माने दूसरे पक्ष में भी सिद्ध होने से, माने वो हेतु संघात मात्र पक्ष माने तभी ठीक रहेंगे ऐसा नहीं है ना, वो हेतु तो दूसरे पक्ष में भी सिद्ध हैं, ठीक है। अतो अकार प्रत्यभिज्ञान आदे है, इसलिए अकार प्रत्यभिज्ञादियों के अन्यथापि सिद्धत्वाद, अन्यथापि सिद्धत्वाद अर्थात वर्णैक अर्थात आकार आदि नाम एकत्वम इस पक्ष में भी सिद्ध होने से, ठीक है, आकार आदि वर्णानाम
एकत्वम वर्तते न तो संघात मात्रत्वम, इस पक्ष में भी सिद्ध होने से अबाधित अन्यथा अनुपपन्ना च एकत्व बुद्धेर एक वर्णत्वे प्रमाणम्। अतो अकार प्रत्यभिज्ञानादेर अन्यथापि सिद्धत्वाद् अबाधित अन्यथा अनुपपन्ना च, अबाधित होने से और अन्यथा अनुपपन्ना च एकत्व बुद्धेर एक वर्णत्वे प्रमाणम्। इसलिए जो अकार प्रत्यभिज्ञान आदि हेतु हैं, क्योंकि वो अन्यथा भी सिद्ध हो गए और दूसरे पक्ष को भी वो सिद्ध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है कि हम दूसरा पक्ष मान लेंगे तो ये हेतु अनुपपन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, हेतु अनुपपन्न हो जाएंगे, हेतु असिद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए एकत्व बुद्धेर एक वर्णत्वे प्रमाणम्, इसलिए वर्णों में जो एकत्व बुद्धि है वो उनके एक वर्णत्व होने में प्रमाण है। अबाधित अन्यथा उपपन्ना एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि अबाधित है और अन्यथा अनुपपन्न है, इसलिए एक वर्णत्व में प्रमाण है। तेषु इति आगे अग्रिम शब्द है पंक्ति में हमारा, तेषु वर्णेषु, ये वर्णैक देशावर्णांतर समानाकृतयः, तेषु तेषु एक देशेषु, तत्कार्यम तत्कार्यम अर्थात वर्णांतर कार्यम सवर्ण दीर्घत्वादि न भवति। आगे हेतु दे रहे हैं किम कारणम, क्या कारण है वर्णांतर के कार्य वर्णैक देशों में नहीं होंगे, तो कहा तच्छाया अनुकारिणो हि तेन पुनस्तैव, तच्छाया तच्छाया अर्थात तदाकार, वो तदाकार का अनुवर्तन करने वाले मात्र हैं, माने उसके जैसे प्रतीत होने वाले है ना, देवदत्त के समान विष्णुमित्र प्रतीत हो रहा है तो उससे वो देवदत्त नहीं हो जाता। तो ऐसे ही आकार में जो अवयव है अकार, वो स्वतंत्र आकार के जैसे उसके आकार वाले प्रतीत हो रहे हैं, उससे वो स्वतंत्र आकार नहीं हो जाते, वो अवयव है, एक वर्ण के अवयव है। एवं प्रत्यक्षेण एक्यम साधित्वा तत्र विप्रतिपन्नम प्रति अनुमानमाह, तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से एक्य को सिद्ध करके आकार आदियों के एक्य को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करके तत्र विप्रतिपन्नम, वहां भी जिसको समझ में नहीं आया उसके प्रति अनुमान प्रमाण से एकत्व को कहा जा रहा है। अब अग्रिम पंक्ति से, पहले तो प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पे केवल एकत्व कहा था ना, ये कह करके कि जैसे आकार आदियों का हमें पद के समान वर्ण समूह के रूप में प्रतिभास नहीं होता, हमारी प्रतीति के आधार पे कहा था कि आकार आदियों को का हमें पद के समान वर्ण समूह के रूप में प्रतिभास नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, किंतु कैसा ज्ञान होता है उनके संदर्भ में कि ये एक एक अलग अलग वर्ण है, ऐसा कहा था। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रतीति के आधार पर कहा था कि प्रत्यक्ष प्रतीति हमें आकार आदियों के बारे में ऐसी हो रही है कि ये भी एक एक अलग वर्ण है, जैसे अकार एक अलग वर्ण है वैसे ही आकार भी एक अलग वर्ण है, ईकार भी एक अलग वर्ण है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पे कहा था। फिर भी तत्र विप्रतिपन्नम, उसमें जो विप्रतिपन्न व्यक्ति है, माने जो उल्टी बुद्धि वाला, माने जिसको अभी समझ नहीं आ रहा ये प्रत्यक्ष से, तो उसके लिए फिर अनुमान प्रमाण से अग्रिम बात कह रहे हैं। उल्टी बुद्धि मतलब यहाँ पे वो लोक अर्थ वाला नहीं, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में जिसको पता नहीं चल पा रहा, इस संदर्भ में जो विप्रतिपन्न है, जिसका ज्ञान विपरीत कार्य कर रहा है वर्णों के संदर्भ में कि ये एक है कि नहीं। आचार्य ने तो एक बता दिया प्रत्यक्ष प्रतीति के आधार पर, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर, लेकिन फिर भी जिसको स्पष्टता नहीं हुई उसके लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं आगे। अनुमान प्रमाण का कैसे, तो कहा पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्याः, इच्छा योनिर आत्मगुणो अत्र प्रयत्नः न पुनः स्पष्टतादिर वर्ण गुणः, इच्छा योनिर आत्मगुणो अत्र प्रयत्नः, यहाँ पर प्रयत्न क्या है, तो कहा कि यहाँ पे प्रयत्न वो वाला प्रयत्न ही है, सबसे पहले इन्होंने देखो
पद्मंजरीकार ने यही बात स्पष्ट की है कि यहाँ पे प्रयत्न माने वर्णोच्चारण शिक्षा में जो अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न वो नहीं है। कौन प्रयत्न है फिर वहां पे? इच्छा योनिर आत्मगुण अत्र प्रयत्न। इच्छा है योनि अर्थात कारण जिसका, ऐसा आत्मा का जो एक गुण विशेष है वो प्रयत्न यहाँ पर लिया गया है। किसी भी कार्य को करने की प्रणाली यही है ना हमारे अस्तित्व में, कि हम सबसे पहले जानते हैं, फिर इच्छा करते हैं और फिर उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न का कारण कौन बनता है? इच्छा। ठीक है, उसी को कह रहे हैं कि प्रयत्न अत्र आत्मगुण। प्रयत्न यहाँ पे आत्मा का गुण विशेष है। कौन सा गुण विशेष? तो कहा इच्छा योनि, जो इच्छा इस कारण वाला है, इच्छा से उत्पन्न होने वाला जो प्रयत्न है वो यहाँ प्रयत्न के रूप में लिया गया है। न पुनः स्पृष्टता आदिर वर्ण गुण। वर्णोच्चारण शिक्षा में जो कहे गए हैं कि ये स्पृष्ट गुणाः स्पर्शाः इत्यादि या ईषत् स्पृष्टाः इत्यादि जो आभ्यंतर प्रयत्न कहे गए हैं या जो बाह्य प्रयत्न संवार विवार आदि कहे गए हैं वो यहाँ प्रयत्न शब्द से अभिप्रेत नहीं है। आगे देखिए, इहैक प्रयत्न निर्वर्त्य एको वर्णः, एक इच्छा पूर्वकश्च एकः प्रयत्नः। तो आचार्यों का शब्द के माने जो शब्द विशेषज्ञ हैं, वर्ण विशेषज्ञ हैं, उन आचार्यों का वर्ण के संदर्भ में क्या मानना है, उनकी क्या मान्यता है? तो कहा इह एक प्रयत्न निर्वर्त्य एकः वर्णः, एक प्रयत्न के द्वारा निर्वर्त्य निष्पाद्य एक वर्ण होता है, ये आचार्यों का मंतव्य है। ठीक है, पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णमिच्छन्ति आचार्यः, जो एक पृथक प्रयास से निर्वर्त्य है वो एक वर्ण है, ऐसा आचार्य मानते हैं। तो यह एक प्रयत्न निर्वर्त्य एको वर्ण, उसी को और स्पष्ट किया कि अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एक इच्छा पूर्वकश्च एकः प्रयत्नः, एक इच्छा से एक प्रयत्न होगा और उस एक प्रयत्न से निर्वर्त्य जो भी होगा वो एक वर्ण होगा, उसको हम अनेक वर्ण नहीं मान सकते। जैसे इस बात को हमने पहले समझा ही है ना कि जब हम ए ओ आदि को या रील री आदि को बोलना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं सोचते या ऐसे नहीं जानते कि हम पहले जो है अ बोलेंगे फिर ई बोलेंगे, या हम पहले री बोलना है तो पहले ल बोलेंगे फिर री बोलेंगे, ऐसा नहीं सोचते ना। सीधे सोचते हैं कि हमें ए बोलना है, ऐसे ही सोचते हैं, ऐसा ही संकल्प करते हैं और फिर ऐसा संकल्प माने ऐसी इच्छा करते हैं तो उसके अनुसार एक ही प्रयत्न होता है। एक इच्छा कर रहे हैं ना, ए बोलना है तो दो इच्छाएं करते हो, अ ई बोलेंगे, अ बोलेंगे पहले फिर ई बोलेंगे, ऐसे दो इच्छाएं नहीं करते ना और ना ही दो प्रयास करते हैं, एक ही इच्छा करते हैं और एक ही प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए एक प्रयत्न से जो निष्पन्न होगा वो एक ही वर्ण होगा, ऐसा आचार्यों की मान्यता है, शब्द विशेषज्ञों की ऐसी मान्यता है। वही इस पंक्ति में कहा जा रहा है, देखिए इहैक प्रयत्न निर्वर्त्य एको वर्णः, एक प्रयत्न के द्वारा निर्वर्त्य जो होगा वो एक वर्ण होगा। और एक प्रयत्न कैसे होता है? तो एक इच्छा पूर्वकश्च एकः प्रयत्नः, जो एक इच्छा से उत्पन्न हो रहा है वो एक प्रयत्न है। और अपनी इच्छा को हम देख सकते हैं कि ए बोलते समय हमने क्या इच्छा की, ओ बोलते समय हमने क्या इच्छा की। ठीक है, तत्र यथा एक वर्णोच्चारण इच्छा पूर्वक एक प्रयत्न निर्वर्त्यत्वाद् अकारादीनां सभागे अपि एकत्वम्। तो उस संदर्भ में आगे दिखा रहे हैं कि तत्र यथा, उस संदर्भ में ऐसा समझना चाहिए कि जैसे एक वर्णोच्चारण इच्छा पूर्वक, एक वर्ण के उच्चारण की इच्छा पूर्वक एक प्रयत्न निर्वर्त्य, त्वाद् एक प्रयत्न के द्वारा निर्वर्त्य होने से, निष्पाद्य होने से अकार आदि नाम, जैसे अकार बोला हमने, ठीक है, तो अकार जो है वो एक वर्ण को उच्चारण की इच्छा की हमने और उस उच्चारण की इच्छा से एक प्रयत्न हुआ और उससे वो अकार वर्ण निष्पन्न हो गया। तो जैसे अकार आदियों का सभागत्व होने पर भी एकत्व मानते हैं, अकार का भी सभागत्व है ना, अकार जो ह्रस्व अकार है उसका भी सभागत्व है, स्वरित अकार में दिखाया था ना, तस्यादित उदात्तम अर्ध ह्रस्वम,
तो जैसे अकार के एकत्व में किसी को संदेह नहीं है, जबकि आचार्य उसका भी सभागत्व मान रहे हैं, तो इसी तथा एकारादेरपि, उसी तरह से एकार आदि के बारे में भी समझना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से एकार आदि के बारे में भी जानना चाहिए कि भले ही वहां हमें सभागता प्रतीत हो रही है, सावयवता प्रतीत हो रही है, लेकिन चूंकि वो भी एक ही वर्ण के उच्चारण की इच्छा से एक ही प्रयत्न के द्वारा निष्पाद्य है, इसलिए एकार आदि का भी एक वर्णत्व ही है, सभागत्व अपि, सभागता होने पर भी, ठीक। आगे देखिए, न ही कश्चित एकाराद्युच्चारयन् प्रयत्नस्य तत्कारण भूतायाः इच्छाया वा भिन्नत्वमुपैति। न ही कश्चित एकाराद्युच्चारयन्, अब इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, नहीं कश्चित, कोई भी व्यक्ति एकारादि उच्चारयन, एकारादि का उच्चारण करते हुए प्रयत्नस्य तत्कारण भूतायाः इच्छायाः वा, प्रयत्न का या फिर उस प्रयत्न की कारणभूत जो इच्छा है उसके भिन्नत्व को प्राप्त नहीं करता है। माने कोई भी व्यक्ति एकारादि वर्णों का उच्चारण करते समय ये नहीं सोचता है कि मैं दो वर्णों का उच्चारण करूंगा, ऐसी इच्छा नहीं करता है। अकार इकार का अलग अलग उच्चारण करूं, अकार इकार का क्रम से भिन्न भिन्न उच्चारण करूंगा, ना ऐसी उसकी इच्छा होती है और ना ही ऐसा प्रयत्न होता है, ठीक है। सीधे एक ही ज्ञान होता है एकार वर्ण का, फिर उसके बाद जो है उसके संदर्भ में एक ही इच्छा या एक ही संकल्प होता है, और उस एक संकल्प से या एक इच्छा से एक प्रयत्न होता है, उस एक प्रयत्न के द्वारा जो निष्पाद्य है वो एक ही वर्ण होगा, ये आचार्यों का मंतव्य है। अतो नरसिंहवत् जात्यंतरत्वाद् अकारादीनाम् अभावादेव तत्कार्याणाम् अभावः। अतः इसलिए नरसिंहवत्, नरसिंह के समान स्थिति हो गई इस पक्ष में। नरसिंह ये उदाहरण दिया गया था ना, उसको नरसिंह को हम नर भी नहीं कह सकते, उसको ना मनुष्य के कार्य किए जा सकते हैं ना सिंह के कार्य किए जा सकते, क्योंकि वो एक जात्यंतर है, ठीक है। जैसे मनुष्य एक अलग जाति है, सिंह एक अलग जाति है, ऐसे नृसिंह एक अलग ही जाति है। अतो नरसिंहवत् जात्यंतरत्वाद्, इसलिए नरसिंह के समान जात्यंतर होने से अकारादीनाम अभावादेव, आकारादियों में अकारादियों का अभाव होने से ही। नरसिंह में जो है वो नर भी नहीं है ना और सिंह भी नहीं है, ठीक है। उसके सदृश अवयव जरूर प्रतीत हो रहे हैं वहां पे, लेकिन वो मनुष्य भी नहीं है और वो सिंह भी नहीं है, वो एक अलग ही अस्तित्व है। ऐसे ही आकार में अकार अकार ये अवयव भले ही प्रतीत हो रहे हैं आकार के सदृश, स्वतंत्र आकार के सदृश, लेकिन आकार ये एक भिन्न अस्तित्व है, भिन्न वर्ण है, भिन्न इकाई है, ठीक है, भिन्न व्यक्ति है। तो इसलिए नृसिंह जैसे जात्यंतर है, वैसे ही आकार आदियों में अकार आदि नाम अभावादेव, अकार आदि स्वतंत्र वर्णों का अभाव होने से, अकार आदि स्वतंत्र वर्ण वहां पर नहीं है, इसलिए तत्कार्याणाम अभाव, इसलिए स्वतंत्र कार आदि वर्णों का कार्य भी नहीं होगा वहां पर, उसका अभाव ही रहेगा। ये बात यहाँ तक कही गई। तो ये द्वितीय पक्ष की सिद्धि में कुछ हेतु प्रस्तुत किए गए। अब आगे सारी बात चलेगी कि अगर आप द्वितीय पक्ष को मानेंगे तो क्या क्या दोष आएंगे, उसको हम आगे देखते। ओम शांति शांति शांति, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ